जिसो दुई तो फिल्म का उस दिन आपने अपने मार्शल आर्ट पैशन के बारे में कहा था कि मैं मार्शल आर्ट का बहुत बड़ा पैशनेट आदमी हूँ और मैंने काफी सारे सेंटर्स खोले हैं जी। तो पहले ये कहना है कामयाबी तो बहुत लोगों को मिलती है लेकिन टैलेंट और मेहनत के बदले जो आपने कामयाबी हासिल की और आज आप एक्टर बन के कितनी खुशी मिल रही है जी और जो दर्शकों का रिस्पॉन्स है थिएटर में वो कैसे आपको इस बारे में मालूम है? ऑडियंस का बाहर मैंने देखा, मैं कुछ ऐसे थिएटर हैं जो मैं खुद फिल्म देखने गया था और मैं ये देखना चाहता था कि थिएटर में लोग जो फिल्म देख रहे हैं उनको कैसा लग रहा है। तो गोरेगांव और आपके अभी मैं लखनऊ गया था वहाँ भी मैंने देखा थिएटर में, ऑडियंस के बीच मैंने पिक्चर देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग मतलब क्लैपिंग कर रहे थे और लोगों को इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत पसंद आ रहा था। तो मुझे रियली मुझे इतना एक्साइटेड हो रहा था कि काश जैसे हमारी फिल्म है काश तुम होते तो काश उनको ये गाने अच्छे आ रहे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक तो मुझे लगता है लोगों को बहुत खुश हैं इस फिल्म को लेके कि फिल्म की स्टोरी भी बहुत पसंद आ रही है। फिल्म बनाने का ख्याल किससे आया में? आपको आया, पंचु मैम को आया और प्रीति जंगियाने को वोट कराने का ख्याल किससे आया और क्या सोच के आपने प्रीति को इस फिल्म में कास्ट किया था? देखिए मैंने पहले तो मैं अपनी बात करूंगा कि मुझे इस फिल्म में मैंने क्यों काम करने की कोशिश की। बचपन से लेके आज तक मैं अक्षय कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और काफ़ी समय पहले मैं अक्षय कुमार जी की फ़ाइट देखा करता था और मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं भी अक्षय कुमार जैसी फ़ाइट करूं और मेरी भी फिल्म आए। तो वो सब कुछ नज़र में रखते हुए दिमाग में फिट हो गई ये बात कि मैं हीरो बनूं या मतलब एक आर्टिस्ट बनूं एक अच्छा। बेसिकली मैं बरेली शहर का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। तो मैं वहां बेसिकली मैं जूडो कराटे सिखाया करता था बच्चों को और जैसे मैंने आपको बोला कि अक्षय कुमार का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं, उनकी फ़ाइट देखा करता था। सबसे पहले मैंने जूडो कराटे ही स्टार्ट किए वहां पर और जूडो कराटे स्टार्ट करने के बाद मेरे मन में कैसा ख्याल आता था कि फ़ाइट कर रहा हूं, लोगों को सिखा रहा हूं, ये तो ठीक है बट मैं भी एक्टर बनूं। तो बरेली से मुंबई का सफ़र मैंने जब तय किया तो इतना आसान नहीं था एक्टर बनना और इंट्रोड्यूस होना इस बॉलीवुड के अंदर, बहुत टफ लगा मुझे। सच मायने में मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं थी, दूर से दूर तक कहीं कोई ऐसा मतलब ऐसा रिश्तेदार या फिर रिलेशंस कहीं कोई ऐसा नज़र ही नहीं आया, ना मुझे ऐसी बॉम्बे शहर के अंदर कोई हेल्प मिली। बट यहाँ भी मैंने वही काम स्टार्ट किया जो मैं बरेली शहर में करता था, जूडो कराटे। फिल्म रिलीज के बारे में कहना चाहूंगा कि फिल्म रिलीज होने में थोड़ी मुश्किल हुई, क्या कारण था और फिर फिल्म रिलीज कैसे हुई, किनके सपोर्ट से ये फिल्म रिलीज हुई? देखिए फिल्म प्रोड्यूस करना और फिल्म को एक बनाना मैं कहूंगा इतना आसान नहीं है, फिर भी उससे कहीं ज्यादा फिल्म को रिलीज करना है, बहुत टफ जॉब है ये फिल्म को रिलीज करना और थिएटर तक पहुँचाना। बहुत सारे मैं कहूँगा कि ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा बट जितनी भी मुसीबतें आईं उतने ही हम स्ट्रांग होते गए और हमने ये मन में ख्याल आया जो भी हो रहा है हमारे साथ एक स्टेप सीखने को मिल रहा है और उस सीखते टाइम और वो जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा मैं समझता हूँ कि यही प्लान किया कि और भी आगे हमें पिक्चर को प्रोड्यूस भी करेंगे और ऐसा नहीं कि एक फिल्म बना के हम लोग मुसीबतों से डर जाएं और हम शांत हो जाएं। आपसे ये कहना चाहूंगा फिल्म के गाने अच्छे हैं, कहानी अच्छी लिखी है लेकिन ये 90s का टाइप है फिल्म में, आपने कोई फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म क्यों नहीं बनाई, कोई फ्रेश स्टोरी, कोई फ्रेश कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ क्यों नहीं ट्राई किया फिल्म में? जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए जो क्वेश्चन है आपका गाने हम म्यूजिक को लेके बात करेंगे तो आजकल के जो गाने चल रहे हैं आपने देखे होंगे रॉक टाइप के गाने हैं और जैसे लोगों की कम समझ में आते हैं आज, तो हमारे जो गाने हैं वो सदाबहार गाने हैं। जैसे मैं कहूँगा कि अलका और शान की आवाज़ में जो हमारा गाना है टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा गाना है, वो लॉन्ग टाइम तक लोगों को याद रहेगा। जो गाने के बोल हैं जो लिरिक्स है वो सुधाकर शर्मा ने लिखी है तो जो लिरिक्स है वो लोगों को शब्दों याद रहेंगे कि मैं ये जानता हूँ कि 90 का फेवर आ रहा है इसके अंदर बट ये लॉन्ग टाइम तक लोगों को याद रहेंगे गाना। अभी सवाल ये है कि आपने ऐसे कहा कि आप अक्षय के फैन हैं काफी बड़े जी, अक्षय कुमार का या कोई और बॉलीवुड स्टार का सफलता का कुंजी क्या है, मेहनत है, पर्सनैलिटी, टैलेंट, क्या मानते हैं, क्या चीज आपके लिए सबसे मायने रखता है एक स्टार का सफलता है तो क्या मायने रखता है उसके लिए?
देखिए हर एक बड़े कदम की शुरुआत एक कदम से होती है, हर एक बड़े कदम की शुरुआत एक कदम से होती है। ऐसे ही मैंने भी एक कदम रखा था और ये सोच के रखा था कि मुझे सफलता मिलनी है, और मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी मुसीबतें आती हैं। मैं लोगों के मुंह से सुना करता था कि बॉम्बे में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना। शायद उन दिनों मुझे ये सब कुछ मालूम हो जाता तो मैं शायद आज जो मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है या हमने फिल्म प्रोड्यूस की शायद ये नहीं होती। बट मैं ये कहूँगा लोगों के लिए, ये कहूँगा कि हर एक इंसान को अपनी सोच बहुत अच्छी रखना चाहिए, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इंसान को पेशेंट रखना, बर्दाश्त करना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई सी भी फील्ड हो, इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए। और जिस चीज़ की आपने सोच बनाई है कि मुझे ऐसा काम करना है तो वो ज़रूर पूरी हो जाती है। बस आपको मेहनत और लगन, जिस तरीके से आप किसी काम की सोच बनाते हैं वही मेहनत वही सोच आपको रखनी है, उसमें आपका कुदरत भी आपके साथ देती है। ख्याल तो काफ़ी दिनों से था, बट हम लोगों को एक ऐसी स्टोरी की ज़रूरत थी जो एक अनयूजुअल सी हो, प्यारी सी हो, और एक जिसको हम कह सकते हैं एवरग्रीन सब्जेक्ट, कि उसमें हम हर एज के लोग, चाहे वो यंगस्टर हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, एक फैमिली भी देख इस किसी मतलब एक फैमिली भी बैठ के देख सके, ऐसी सब्जेक्ट की हमें तलाश थी। और वो हमारी सर्च जो कंप्लीट हुआ वो काश तुम होते पर जाके कंप्लीट हुआ, तो दैट्स वाई हम लोगों ने काश तुम होते की स्टोरी को चुना और उस पर वर्क किया। और मुकेश जी को लॉन्च करना था तो हम लोगों को भी एक ऐसा कंटेंट चाहिए था कि जिसमें सारे एलिमेंट्स हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो, एक ड्रामा हो, तो काश तुम होते में सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए हम लोगों ने इस पर वर्क किया और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन आप इस फिल्म में अभिनेत्री कर रही हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मतलब एक ही काम करना था मुश्किल था, दो काम कर रही हैं, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा ट्रायल रोल करना एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर और एज अ एक्ट्रेस। तो काफ़ी चैलेंजों से भरे मेरी जर्नी रही, बट बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मैं सारी चीज़ें करने में खरी उतरी, और भगवान की कृपा से सारी चीज़ों में मैंने अपना 100% दिया। प्रीति जेनाने को कास्ट किया आपने, तो वो काफ़ी पहले बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं आज से कितने साल पहले, तो कुछ आपको वो टिप्स देती थी एक्टिंग के रिलेटेड या किसी चीज़ रिलेटेड? डेफिनेटली प्रीति ने बहुत हेल्प की मेरी, और अगर मैं प्रीति के चॉइस की बात करूं तो काश तुम होते में हमें एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी जो बहुत प्यारा सा हो, इनोसेंट सा हो, और एक एक्सपीरियंस लड़की हमें चाहिए थी। तो हमने काफ़ी ऑडिशंस रखे और काफ़ी नॉन कैरेक्टर्स, नॉन एक्ट्रेस के बारे में भी सोचा, बट सब में से हमें प्रीति में 100% नज़र आया कि शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड गर्ल, और जो हमारे स्क्रिप्ट की डिमांड थी उस तरीके का फेस हमें प्रीति में नज़र आया। और शूट के दौरान एज अ एक्सपीरियंस होने की वजह से उसने काफ़ी कुछ टिप्स मुझे दी, और कहीं एज अ प्रोड्यूसर भी वो रह चुकी है तो प्रोडक्शन में भी उसने मुझे काफ़ी कुछ हेल्प की, और काफ़ी कुछ उससे मुझे हेल्प मिली। जब फिल्म बनाने की सोची तो मुकेश जी का ही आपके पास सिर्फ नाम था दिमाग में, दिल में की डेफिनेटली मुकेश जी को ही माइंड में लेके हमने काश तुम होते की स्टोरी चुनी, और बस मुकेश जी के लिए ही बनी है काश तुम होते। आप इस बार ये प्रोजेक्ट के बाद और क्या करेंगे आप आगे, कुछ प्लान किया आपने या कुछ काम कर रही हैं? या हम लोग अभी दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एक आउट एंड आउट एक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट है और सेकंड कॉमेडी बेस्ड प्रोजेक्ट है, दोनों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो बस हम लोग ये डिसीज़न बहुत जल्दी लेने वाले हैं कि पहले हम किसको फ्लोर पर लेकर आएं, बट दोनों ही कंटेंट बहुत अच्छे हैं। जो एक्शन प्रोजेक्ट है वो टोटली सोशल सब्जेक्ट्स पे है, जो डे टू डे जो वुमेन्स के साथ, लड़कियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं, तो एक्शन इसमें ये भी हमारी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, तो एक्शन इसमें वुमेन्स लड़कियां उनको लेके हम लोग कुछ सोच रहे हैं, तो नया सा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी प्लानिंग के साथ हम उतरेंगे, क्योंकि काश तुम होते में हमने हर स्टेप पे
हम ये बोल सकते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल के साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और अभी आप लोगों के सामने है, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा. थैंक यू सो मच.